ये दोनों बच्चे जिनकी हाल में ही माता पिता की मौत हो चुकी थी, अब छोटे भाई की जिम्मेदारी बड़े पर होती है। अब बड़ा भाई मोची का काम सीखकर सड़क के किनारे बैठा करता था। एक दिन छोटा भाई रोते हुए आता है और बोलता है कि फीस ना भरने के कारण टीचर ने उसे डांटा है। अभी बड़े भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो छोटे की फीस भर सके, इस कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन दो कस्टमर इसके पास आते हैं और ये लोग बच्चे से पैरों में से जूते निकलवा कर पॉलिश करने को कहते हैं। अब ये बच्चे इनके जूते निकाल कर पॉलिश करते भी हैं, लेकिन बिना पैसे दिए हुए जाने लगते हैं। तब बच्चा इन्हें आवाज लगाकर काम के पैसे मांगता है, तो ये लोग इन्हें मारते हैं और कहते हैं कि हम एक फैक्ट्री के मालिक हैं, और फिर धमकाकर चले जाते हैं। अब ये दोनों बच्चे अपने माता पिता को याद कर रोने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है, उसे इन मासूमों पर दया आ जाती है और वो बच्चों को पढ़ाने की बात करता है, और पढ़ाई लिखाई करके वो बच्चे एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और उसी लड़की की फैक्ट्री जो कि फेक प्रोडक्ट बनाते थे बंद करवा देते हैं।